हाई गाइज दिस इज मनु मिश्रा सो वेलकम बैक विदेशन जिसमें आज हम लोग फोर्टींथर के दूस पेपर का एनालिसिस करेंगे सो बिफोर वी स्टार्ट दूसरे का और मंडे का एनालिसिस नहीं मिला द रीजन बींग क्योंकि uh, कुछ पर्सनल रीजन थे जिसकी वजह से मैं एनालिसिस नहीं कर पाया ओके सो फ्रॉम टूडे एनालिसिसरीज ओके सो व्यव स्टार्ट सो दर्स्ट न्यूज इट्स अबाउट दी हेरिटेज एंड प्रोग्रेस नाउ गो साइड बाई सा कल हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी गए बनारस गए और वहां जाकर उन्होंने काशी विश्वनाथ टेम्पल का जो कॉरिडोर है उसका इनोग्रेशन किया और उनकी पार्टी के ऊपर हमेशा से एलिगेशन लगता आ रहा था कि जब भी वो हम तो की बात करते हैं तो वो हिंदुत्व की बात लेके आ जाते हैं टेम्पल्स की बिल्डिंग्स की बात लेके आ जाते हैं लेकिन नेशन ऐसे नहीं चलेगा नेशन सिर्फ हिंदू का नहीं है और इकोनॉमिक रीजन भी होने चाहिए जिससे हम उनकी कंट्री को बता बता सके तो उनके उसके रिटेलिएशन में मोदी जी ने एक बहुत उन्होंने बताया कि जैसे कि हम बात करते हैं तो इंडिया सिर्फ सोमनाथ टेम्पल की वजह से ब्यूटीफुल नहीं है हमने सी के अंडर थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स की ऑप्टिकल फाइबर की लाइन बिछा दी हमने सिर्फ केदारनाथ टेम्पल को रेनोवेट नहीं किया हमने इंडियंस को स्पेस में ही भेजा हमने सिर्फ राम टेम्पल अयोध्या में नहीं बना रहे

वैदिक केंद्र होगा भोगशाला होगा सिटी म्यूजियम होगा व्यूंग गैलरी होगी फूड कोर्ट होगा और बहुत सारी चीजें होने वाली हैं सो तो थोड़ा सा हम काशी विश्वनाथ के टेम्पल की हिस्ट्री की हम बात करें तो काशी विश्वनाथ टेम्पल जो है तो वन ऑफ द मोस्ट फेमस हिंदू टेम्पल जो कि डेडिकेटेड है लॉर्ड शिवा के लिए ठीक है बहुत बहुत फेमस है एंड इट्स लोकेटेड इन दिटी ऑफ वाराणसी उत्तर प्रदेश एंड इट्स ऑन वेस्टर्न बैंक ऑफ द रिवर गंगा और

बट डिमोलिश uh, कर दिया गया बाय द मुस्लिम इन्वेडर्स मुगल इन्वेडर्स मुस्लिम ओके उसको फिर होलकर जो कि इंदौर की थी okay? और देखा जाए तो 1980 के बाद अगर काशी विश्वनाथ टेम्पल को मेक मिल रहा है तो वो अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो फेज वन इनग्रेट किया का, टेंपल का, उससे मिल रहा है makeover. ओके okay? और अभी इस प्रोजेक्ट के अंडर अराउंड फोर्टी एंशियंट टेम्पल्स रिडिस्कवर किए गए इस प्रोजेक्ट के इस प्रोजेक्ट के जो काम कर रहे हैं अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है तो देखा जाए तो एक काशी विश्वनाथ टेम्पल जो है इसको जोड़ेगा घाट से तो पहले हमारे अच्छा यहां पर समझाया भी गया यहां पर बेसिकली नेशनल न्यूज में जाओगे ना नेशनल न्यूज में एक न्यूज भी है तो उसमें बताया भी गया है कि जो हमारा जो कल्चर रहा है वो कल्चर यही रहा है कि जब भी हम पूजा करें ठीक है जब भी हम पूजा करें सनातन धर्म जो है हमारा वो सनातन का ये है कि द शुड बी कनेक्टेड टू बैंक ऑफ द रिवर ठीक है ये रहता है हमेशा अगर कभी आप पुराने में जाओगे ना तो नदी के किनारे टेम्पल्स होते हैं कि आप नहाइए धोइए सचो के आइए और टेम्पल में एंटर करिए सो व्हाट हैपन तो काशीनाथ टेम्पल था तो गंगा भी थी बट इतनी गंदगी थी कि लोग घाट में जा ही नहीं सकते थे तो साफ सफाई करवानी पड़ी सो so, दिस प्रोजेक्ट विल कनेक्ट दी काशीविनात टेंपल एंड दी घाट अलोंग दी रिवर गंगा, ठीक है? ये चीज बताया गया, जिससे क्या होगा? टूरिज्म को बहुत बूस्टर मिलेगा, प्रेविलर्स जो आएंगे, उनको क्लीन रोड्स मिलेंगी, वाइडर रोड्स मिलेंगी। Moving further, again on the national news, what happened? So November के इकोनॉमिक, इकोनॉमिक बेसिकली टर्म्स uh, एक टर्म्स नहीं बोल सकते परसेंटेज आगे यह बता दिया गया कि जंप किए फॉर लास्ट फोर मंथ नवंबर के जो पहले फोर मंथ थे उसमें हमेशा से इन्फ्लेशन डिक्रीज होती हुआ रही थी है ना लेकिन इस बार नवंबर का मंथ क्या हुआ इन्फ्लेशन जो है महंगाई जो है वो 4.91 परसेंट से बढ़ गई बिकॉज ऑफ द राइज इन दी बिकॉज इन द राइज इन दी प्राइसेस ऑफ वेजिटेबल मूविंग फॉर्द सो वॉट देखो एक तो नेशनल होते हैं होते हैं नेशनल होते है स्टेट फिल्म अवार्ड जो कि स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने स्टेट्स में देती है अपने अपने स्टेट्स के मूवीज को स्पेशली जो जहां पर डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं जैसे कि मलयालम हो गया जैसे कि जैसे कि कन्नड़ा हो गया जैसे कि तेलुगु हो गया तमिल हो गया उड़िया हो गया तो इन सब स्टेट्स में ये ज्यादा बहुत प्रोमिनेंट होते हैं अवार्ड्स क्योंकि ये बेसिकली लैंग्वेज को बहुत प्रमोट करते हैं नेशनल लेवल पर इंटरनेशनल लेवल पर नेशनल लेवल पर तो हुआ क्या अभी उड़ीसा स्टेट फिल्म अवार्ड्स 2019 की सेरेमनी होने वाली थी जो कि थर्टी एडिशन था स्टेट फिल्म अवार्ड्स का और कब होना था ये ट्यूजडे आज होना था लेकिन कल यस्टरडे उड़ीसा हाईकोर्ट ने बोल दिया है स्टेट गवर्नमेंट को कि भैया स्टेट फिल्म अवार्ड की सेरेमनी जो है उसको आप पोस्टपोन कर दो क्यों रीजन बींग क्योंकि दो फिल्म को अवार्ड्स मिल रहे हैं और दो फिल्म जो है आ, वो रीमेक है एक पंजाबी फिल्म की एक कोरियन मूवी की तो हमेशा जो अवार्ड्स होते हैं ना जो कि स्टेट्स अवार्ड नेशनल अवार्ड्स मूवीज में उन लोगों को दिए जाते हैं जिसने कुछ इनोवेशन किया हो जिसने कुछ सोसाइटी में मॉरल uh, फैलाया हो जिसने कुछ सोसाइटी में कुछ लेसन फैलाया हो लेसन प्रमोट किया हो कुछ अच्छा अच्छा सोसाइटी को एजुकेट uh, बनाया हो या कुछ डिफरेंट तरीके की मूवी हो रीमेक ना हो मतलब किसी मूवी का हमने कॉन्सेप्ट लिया वही बना दी और उसको फिल्म का अवार्ड मिल रहा है इसी के चलते एक पर्सन ने ने फाइल करी थी और उरसा, उरसा हाई ने देखी और देखी मूवी लगा भैया अभी जब तक हम इस प्ली को नहीं सुन लेते आप नहीं करेंगे so, की हमें पढ़नी नहीं है तो की को स्किप करेंगे। so, 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 हुआ क्या अभी कर्नाटका में एंटी कन्वर्जन लॉ आने वाला है ठीक है और लॉ आने वाला मतलब लॉ बनाने के लिए आपको बिल पास करना पड़ेगा तो अभी दोनों हाउसेज से कर्नाटका के जो है वहां से बिल पास होगा और आपका गवर्नर साइन करेगा एंड लॉ द बिल विल बिकम अ लॉ ओके बट ये बताया गया कि इस बिल के अंदर एक प्रोविजन है और ये प्रोविजन बोलता है कि अगर कोई पर्सन जो कि डिफरेंट रिलीजन का है जो कि उसका रिलीजन तो होगा जो पैदा हुआ होगा अगर वो अपना रिलीजन चेंज करना चाहता है तो उसको दो महीने पहले एप्लीकेशन लिखनी होगी डिप्यूटी कमिश्नर को और डिप्यूटी कमिश्नर विदिन टू मंथ अप्रूवल देगा कि भाई अब कन्वर्ट होना है या नहीं होना है अगर उसने अप्रूवल नहीं मिला उसको तो वो कन्वर्ट नहीं हो सकता अप्रूवल मिल गया तो वो कन्वर्ट हो सकता है लेकिन एक और क्वेश्चन अराइज हुआ जैसे मान के चलो कि अगर कोई पर्सन मुस्लिम है और वो हिंदू में कन्वर्ट हो रहा है लेकिन मुस्लिम माइनॉरिटी उसको रिजर्वेशन मिलता है हिंदू को रिजर्वेशन नहीं मिलता तो क्या आफ्टर कन्वर्जन क्या वो रिजर्वेशन का बेनिफिट उठा पाएगा तो आंसर इज नो तो जिस रिलीजन में वो कन्वर्ट हुआ उस रिलीजन का वो बेनिफिट उठा सकता है लेकिन जो रिलीजन छोड़ के आया उसका बेनिफिट नहीं उठा सकता ये चीज ऑथर ने बोली मूविंग फॉर्दर सो कृष्णा रिवर वॉटर अब कृष्णा की हम बात करें तो कृष्णा इज अ रिवर इन दी सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया जो कि सदर्न स्टेट्स को सदर्न uh, बेसिकली रहती है एंड uh, थ्री मेजर स्टेट्स में इसका 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 फ्लो इसका, इसका आता है कृष्णा वाटर का उसके बाद ये वे ऑफ बंगाल में चली जाती है मौज हो जाती है uh, कर्नाटका तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश सो so, हुआ क्या हमेशा से हम ये देखते हुए आ रहे हैं कि सबसे बड़ा जो डिस्प्यूट डिस्प्यूट है, वो डिस्प्यूट या तो आपका कावेरी को लेकर रहता है या फिर केरला और कर्नाटका का कंटेंशन बिटवीन थ्री स्टेट्स पहले दो स्टेट है उसके बाद ये क्या हो गया ये तीन स्टेट्स हो गए तेलंगाना प्रदेश दो स्टेट्स और बन गए अब क्वेश्चन ये हुआ कि कर्नाटका से क्वेश्चन पूछा गया था कि आप हमें ये बताओ कि कृष्णा वाटर का जो कृष्णा रिवर का जो वाटर है वो कितना आप रखते हो कितना तेलंगाना को देते हो कितना आंध्र प्रदेश को जाता है और उस चीज को लेकर इस चीज को लेकर कर्नाटका ने अभी तक कोई भी जवाब नहीं दिया अपने ऑफिशियल गैजेट में अपने ऑफिशियल ऑर्डर में उन्होंने अभी तक कोई भी चीज पब्लिश नहीं करी तो जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि ठीक है ये इशू है और इशू इशू की जो हियरिंग है कृष्णा रिवर वाटर की जो हियरिंग है वो हम लोग नेक्स्ट ईयर मतलब टेंथ ऑफ जनवरी से स्टार्ट कर देंगे ये सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है मूविंग फर्दर सो so, उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने एक और अच्छा स्टेप लिया उन्होंने बोल दिया है कि भैया फ्री राशन फॉर दी पुअर्स जो है वो होली तक दिए जाएंगे

and the third one is about the principle of principle over profits chalo so first we'll discuss the home proton uh, climate change ye bolna kya chahta hai let's see hum usko ek overview le lete hain to dekho abhi recently 26th session of cop 20 cop conclude ho gaya conference of parties जिसको हम बोल सकते हैं which has been conducted by the un framework convention on climate change ko lekar jisme developed countries jo hain aur डेवलप कंट्रीज डेवलपिंग कंट्रीज भी हैं बोलती हैं कि हम लोग इतना कमिट करेंगे क्लाइमेट चेंज को लेकर और ये बहुत सारी चीज है और ये स्टार्ट हुआ था बेसिकली कब आपका आ, प्रोटोकॉल में सबसे पहले इन लोगोंने, इन लोगों लोगों ने ने कमिटमेंट दिया था और इस बार प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी कमिटमेंट दिया पांच प्लेज दिए पहला प्लेज क्या दिया कि भैया इंडिया बाई द्वेंटी थर्टी कम से कम इंडिया जो नॉन फॉसिल एनर्जी की कैपेसिटी है वो फाइव हंड्रेड तक इंक्रीज कर देगी

डिग्रीस कर देगा प्रीवियसली कमिट किया था 35% लेकिन उसको एक्सटेंड करके 45% कर दिया फिफ्थ जो था वो ये था कि बाय द ईयर ऑफ 2070 बाय द ईयर ऑफ 2070 इंडिया जो है नेट जीरो का जो टारगेट uh, है वो अचीव कर लेगा ये चीज बताया गया था ओके okay? अब नेट जीरो होता क्या है नेट जीरो की हम बात करें तो इट्स अ बैलेंस जहां पर एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस उस इतनी है, 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 मतलब, है उसका जितना हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उतना ही हम रेड्यूस कर रहे हैं तो यह होता है नेट जीरो जैसे कि हम मान के चले जैसे कि हमने आज दोपहर के बारह बजे तक पांच सौ रुपए का प्रॉफिट कमाया उसके बाद

बूज द रिबल पावर एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर और इंडिया ने बोला है कि भाई 2070, इंडिया जो है वो कार्बन न्यूट्रल हो जाएगी लेकिन हम बात करें तो हम लोग कोल को बहुत माइंड करते हैं और कोल की वजह से इंडिया के ऊपर हमेशा से उंगली उठती जाती है कि भाई कोल का कोल को एज एनर्जी इंडिया यूज करता है जिसके चलते इंडिया में आ, कार्बन इमिशन ज्यादा होता है ग्रीन हाउस गैस के इमिट ज्यादा है लेकिन हम बात करें तो कोल के बहुत ज्यादा यूजेस हैं अब हम कोल को अगर सॉलिड सॉलिड के फॉर्म में यूज करेंगे जिसको हम बोलते हैं कोक अगर को, कोल जो है सॉलिड के फॉर्म में तो कोक कोक होगा तो इट्स यूज इन दी मेकिंग ऑफ आयरन एंड दी अदर मेटल्स अगर कोल जो है अगर लिक्विड फॉर्म में है जिसको हम टार बोलते हैं तो वो डाई हो गया ड्रग्स हो गया परफ्यूम्स बनाने का काम आता है हाँ अगर कोल को हम गैस के फॉर्म में यूज करते हैं तो वो इंडस्ट्रीज में फ्यूल की तरह यूज किया जाता है है ना और इंडिया में पहली बार ये लिख लेना नोट डाउन कर लेना इंडिया में पहली बार अगर कोल कहीं माइन हुआ था तो वो हुआ था 1774 में रानीगंज में ठीक है पहली कोल फील्ड थी वो जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्टार्ट किया था ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट किया है अब अगर हम आगे बात करें तो क्वेश्चन उठता है क्योंकि जब भी हम लोग बात करते हैं ना तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या है लो कार्बन ग्रोथ के साथ साथ रिसोर्स एफिशिएंसी एंड सोशल इंक्लूसिबिलिटी दैट इज व्हाट सस्टेबल डेवलपमेंट टॉक्स अबाउट ओके लेकिन क्वेश्चन जो ऑथर ने रेस किया उन्होंने ये बताया कि जब हम यूएस रशिया यूके जापान कनाडा की बात करते हैं तो दीज फाइव कंट्रीज अकाउंट फॉर टेन परसेंट ऑफ दी पॉपुलेशन बट अगर हम टोटल कार्बन की बात करें तो इन पांच कंट्रीज का ऑफ़ कंट्रीब्यूशन है वही हम चाइना, इंडिया, ब्राज़ील और इंडोनेशिया की, so, की बात करें तो ट्वेंटी थ्री परसेंट करती है, okay? so, इसी को लेकर बोला है इंडिया हमेशा से लड़ता हुआ रहा है वो हम, हम करेंगे अपने को कि हमें कितना यूज करना है कितनी एनर्जी रिक्वायरमेंट ठीक है लेकिन इंडिया के ऊपर प्रेशराइज किया जाता है कि भाई इंडिया कोल इंडस्ट्रीज को बंद करे कोल माइंस को बंद कर दे बट ऑथर का कहना यह भी है कि अगर हम इंडिया की गवर्नमेंट की बात करें तो इंडिया गवर्नमेंट जो है इंटरनेशनल पोडियम पे डिफरेंट बातें करता है वहीं डोमेस्टिक पे कुछ और हरकतें करता है इंटरनेशनल उसने बोला कि भाई हम कोल का कम यूज कर देंगे बट अभी हम बात करें तो इंडिया ने बोल दिया है कि हम कोल को, कोल माइन्स को प्राइवेटाइज करेंगे जब आप प्राइवेटाइज कर रहे हो ऑब्वियसली बात है तो उसका यूजेज ज्यादा होगा है ना तो so वही चीज बेसिकली यहां पर ऑथर ने बताया कि अभी जो अमेंडमेंट्स आ रहे हैं लॉ एंड पॉलिसी में गवर्नमेंट लेके आ रही है जिसे एंड इवन मिलिटराइज किया जा रहा है फॉरेस्ट को जिससे ट्राइबल कम्युनिटीज को बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा तो अमेंडमेंट अभी किसमें आएगा फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ टू में आएगा तो जिससे सारी चीजें प्राइवेटाइज हो रही है प्राइवेट सेक्टर को फॉरेस्ट हैंड किया जा रहा है इजिली तो जिससे ग्राम सभा जो है इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में उनका कोई भी इंफ्लुएंस नहीं रहेगा ये चीज ऑथर ने बताया मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट टूवर्ड्सिटोरियल एंड दैट इज अबाउट सेंक्शन एंड राइट अब यह है क्या चलो पढ़ते हैं सो so, अभी रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने बांग्लादेश की एक पैरामिलिट्री यूनिट जिसको हम बोलते हैं रैपिड एक्शन बटालियन को बैन कर दिया उन्होंने इस पैरामिलिट्री यूनिट जैसे इंडिया में पे पैरामिलिट्री फोर्सेस हो गई बी हो गई सीमा सुरक्षा बल हो गई है ना आई हो गई तो ये दी आदि पैरामिलिट्री फोर्सेज ऑफ इंडिया वैसे ही बांग्लादेश की भी है तो बांग्लादेश की एक पैरामिलिट्री फोर्स है एंड नेम ऑफ दी रैपिड एक्शन बटालियन और उसको रैपिड एक्शन बटालियन को क्या कर दिया बैन कर दिया किस बेसिस पर कि भैया ये इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स सॉरी ये ह्यूमन राइट्स को वॉयलेट करता है तो जब लोगों ने क्वेश्चन पूछा भाई कैसे कैसे वॉयलेट करता है तो बताया गया कि जब हम बात करें तो अराउंड 2009 से इस पैरामिलिट्री फोर्सेस पे एलिगेशन लगे हैं कि अराउंड आ, 600 से ज्यादा डिसअपेरेंस हुई है अराउंड 600 हंड्रेड एक्स्ट्रा जुडिशियल क्लि क्लि क्लिंग हुई है 2018 से 2009 से 600 से ज्यादा लोग गुम हो गए और 2018 से एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग हुई है 600 लोगों की मिनिमम ओके और ये चीज जो हुआ वो हुआ कब कहां पर हुआ ये डेमोक्रेसी समिट में अब थोड़ा डेमोक्रेसी समिट के बारे में समझ लो डेमोक्रेसी समिट होता क्या है सो डेमोक्रेसी समिट इज एन इनिशिएटिव बाय दी यूएस प्रेसिडेंट जिसका काम था कि स्पिरिट एंड जो शेयर्ड परपस है डेमोक्रेसी का फ्री वर्ल्ड का उसको हम रिन्यू करें है ना डेमोक्रेसी समिट जो है एक्सपेक्टेड है कि इन द ईयर 2022 इन पर्सन मीटिंग होगी ऑब्जेक्टिव क्या होता है डेमोक्रेसी समिट का द इज कि वर्ल्ड की डेमोक्रेसीज को साथ में लेके आना है सबको साथ में लेके आना है डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथ इन करना है है ना और आपका जो कॉमन एजेंडा होगा जिससे सबके कॉमन वैल्यूज थ्रेट में जा रहे हैं उनको हम हटाएंगे उस कॉमन एजेंडा को हटाएंगे थीम्स क्या है इसके थीम्स क्या है, है? करप्शन को फाइट करना है ह्यूमन राइट्स को सेव करना है रिस्पेक्ट देना है और अथॉरिटेरियनिज्म को अगेंस्ट थॉरिटिज्म authority, को हटाना है मतलब एक अथॉरिटी रेगुलेट ना करे पूरी नेशन को ठीक है और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने भी फर्स्ट डेमोक्रेसी समिट जो है जो यूएस स्टार्ट करी थी, करी थी थी उसको अटेंड किया एंड uh, देखा जाए तो इंडिया इंडिया ने जो पार्टिसिपेट किया है फर्स्ट समिट ऑफ डेमोक्रेसी में उसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यही बोला है कि डेमोक्रेटिक स्प्रिट इंक्लूडिंग स्पिरिट ऑफ रूल ऑफ लॉ एंड प्लूलिस्टिक In मतलब सी को लेकर ऑब्जर् ले रहा, रहा है इस चीज को लेकर इस डेमोक्रेसिट को लेकर उनका यही कहना है कि हम सोशल मीडिया और क्रिप्टो करेंसी को लेकर एक प्रॉपर लॉ बनाए जिससे हमारी डेमोक्रेसी जो है अंडरमाइन ना हो ये चीज उनका कहना था ओके और वहीं जब मोदी जी जा आ जाते जा जा हैं तो मोदी जी ने एंशियट इंडिया की बात कर दी कि भाई कि हमारे यहाँ तो शाकिया रूलर्स है और लिवाची उन उन मतलब पच्चीस सौ साल पहले से इंडिया में डेमोक्रेसी है इंडिया में लोकतंत्र है ये सारी चीजें हैं और जब हम रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं रूल ऑफ लॉ का मीनिंग चार होते हैं कभी भी आपसे कोई रूल ऑफ लॉ का मतलब पूछे तो सबसे चार चीज बता देना इक्वेलिटी अंडर द लॉ ट्रांसपेरेंसी ऑफ लॉ इंडिपेंडेंस इंडिपेंडेंट जुडिशरी एंड असेसिबल लीगल रेमेडी ये चीज बताई गई मूविंग फॉर्द अच्छा ये वाला जो है है ना अभी so, अभी याद है, अभी हमने एक पड़ी थी बहुत पहले से न्यूज चली आ रही है कि चाइना की एक टेनिस प्लेयर है उन्होंने एलिगेशन लगाया था पैंग सुई ने एलिगेशन लगाया के उनके साथ हुआ है बाई दी वन ऑफ मोस्ट प्रोमिनेंट फॉर्मर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के लीडर के ऊपर है ना तो उसी को लेकर है तो पढ़ना जरूर तो जो अभी वर्ल्ड वर्ल्ड टेनिस एसोसिएशन ने जो स्टेप्स लिए हैं उसको उसकी तारीफ करी फॉर रिपब्लिक डे पर देखो हमेशा से रिपब्लिक डे पर हमेशा से कोई ना कोई आ, हमारे यहाँ गेस्ट आता है चीफ गेस्ट आता है हाँ कोविड के समय नहीं आया तो ये एक्सेप्शन मानेंगे पर तो इस बार रिपब्लिक डे पर इन्विटेशन भेजा गया पांच सेंट्रल एशियन लीडर्स को मतलब दी गवर्नमेंट ऑफ कजाकिस्तान किर्गिस्तान तजाकिस्तान तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान इन पांचों नेशंस के हेड ऑफ द गवर्नमेंट को इनविटेशन भेजा गया कि दे विल, दे विल शुड अटेंड दी रिपब्लिक डे अब इंडिया के देखा जाए तो इंडिया के परस्पेक्टिव से ये पांच नेशन इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंस क्यों रखते हैं क्योंकि इंडिया का डोमिनेंस नहीं है सेंट्रल एशियन में क्योंकि इंडिया इज नॉट कनेक्टेड डायरेक्टली कनेक्टेड क्योंकि लैंड रूट से कनेक्ट नहीं हो सकती पाकिस्तान आ जाता है बीच में तो इसी के चलते इंडिया जो है मेरी कनेक्टिविटी करवाना चाहता है कि वो ईरान के साथ कनेक्टिविटी करवा लेगा मैरिटाइम उसके बाद ईरान से वो लैंड रूट सेंट्रल एशिया में अपना डोमिनेंस दिखाए और पाकिस्तान को काउंटर कर सके सो so, कल पार्लियामेंट में गवर्नमेंट ने कल पार्लियामेंट में गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने बेसिकली बोला है कि हम इंटरनेशनल लॉज यूनाइटेड शन कन्वेंशन लॉ ऑफ दीज को पूरे तरीके से सपोर्ट करते हैं और फॉलो करेंगे ये गवर्नमेंट ने बोला कि हम लोग फ्री ओपन एंड रूल बेस्ड वाटर को प्रमोट करेंगे और वही हम चाहते हैं वही चीज लॉ में होना चाहिए लॉ में रूटेड होना चाहिए और ये बना कब था ये इंटरनेशनल लॉ यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ द लॉ ऑफ दीज नाइनटीन टू मूविंग फॉर सो दिस न्यूज फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट बट ये थोड़ा सा आ, आपका पॉलिटिक्स से भी रिलेटेड है बट पढ़ सकते हो आप सो so, हुआ क्या कि अधिकारी जो है बीजेपी लीडर सुवेंदु अधिकारी तो हाई कोर्ट ने उनकी हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया है कि सुवेंदु अधिकारी के ऊपर कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि भैया हम इसमें इंटरव्यू नहीं करेंगे बस इतनी सी न्यूज है मूविंग फॉर द सो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने स्टेप ले लिया है उन्होंने डिसीजन ले लिया है कि उन्होंने बोल दिया है कि जो डेली क्लासेस हैं वो ऑफ जनवरी से रिज्यूम हो जाएंगे बट सोशल कल्चरल कल्चर पॉलिटिकल मीटिंग्स पर कंटिन्यू बैन रहेगा बिकॉज ऑफ द कोविड नाइनटीन मूविंग फर्दर सो विद इन द जुडिशरी कोलिजियम सिस्टम को बदलने की बात की जा रही है तो जब हम कोलिज सिस्टम की बात करते हैं ना तो कोलिज सिस्टम में दो सबसे बड़े

गूगल में भी सर्च कर लो इजी होता है कॉलम सिस्टम ठीक है तो जिसमें फर्स्ट जज केस सेकंड जज केस थर्ड जज केस ये तीनों मिलेंगे मूविंग फॉर सुप्रीम कोर्ट ने सिंपल सी बात बोल दी है कि सारे स्टेट्स को बोला है कि जितने भी बच्चे पैंडमिक के समय होमलेस हो गए हैं उनको आप हेल्प करोगे और डेटा कलेक्ट करिए गवर्नमेंट ने बोल दिया कि भैया स्टेट जो है ना वो बहुत स्लो डेटा कलेक्ट कर रही है जल्दी जल्दी डेटा कलेक्ट करिए लिस्ट बनाइए कौन बच्चे कितने बच्चे होमलेस हुए और उनको रिलीफ प्रोवाइड करवाइए उनकी हेल्प करिए एजुकेशन में उनके वेलफेयर में सारी चीज में सो कल डीआरडीओ ने एक सुपरसोनिक एयर असिस्टेड टॉर्पीडो सिस्टम को टेस्ट किया ठीक है सो लिख लेना इस मिसाइल का नाम लिख लेना बस इतना इतना ही लिखना ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, है। टॉरपीडो जो है ना टॉर्पीडो बेसिकली सब में आती है मूविंग फर्दर सो so, रशिया की एक मिलिट्री फर्म है वैगनार ग्रुप वैगनार ग्रुप के ऊपर लगा एलिगेशन लगा था कि right है। में लीबिया पे सीबिया में है ना सीरिया में तीन नेशंस में उन्होंने ह्यूमन ह्यूमन राइट राइट मेंब्यूज किए हैं जिसके चलते यूरोपियन यूनियन ने रशिया के मिलिट्री फार्म वैगनार ग्रुप के ऊपर सेंक्शन लगा दिया कि भैया आपने ह्यूमन राइट वॉयूशन किया है यूक्रेन में आपके आपके लीबिया में और सीरिया में जिसके चलते हम आपके ऊपर सैंक्शंस लगा रहे हैं हम आपसे अब आप चीजें नहीं खरीदेंगे एंड सम वेरी प्राइड मोमेंट फॉर इंडिया के इंडिया की हरनाथ संधू हैज बीन क्राउनड मिस यूनिवर्स 2021 एंड uh, अभी तक तीन इंडियन सी मिस यूनिवर्स बनी है इंक्लूडिंग हरनाथ संधू द फर्स्ट वन इज सुष्मिता सेन इन द ईयर 1994 लरदाता इन द ईयर 2000 एंड इन 2021. उनको मिला और ये Universe, 2021 ये मिस यूनिवर्स का एडिशन था था जो कि हेल्ड हुआ की एक सिटी में मूविंग सो तालिबान के फॉरेन हम, 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 हम लोग को एजुकेशन देंगे, हम लोग को देंगे बट हमारा कंडीशन है कि हमारी रिजीम गुड रिलेशन चाहती है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ इसके लिए हम ये भी काम करेंगे ये इसी उनका कहना है मूविंग फर्दर बिजनेस न्यूज में ऐसी कुछ न्यूज नहीं है जो हमारे एग्जामिनेशन लिए इंपॉर्टेंट हो सेम गोज विद दी स्पोर्ट्स न्यूज सो दिस एनालिसिस ऑफ टूडेज न्यूज पेपर हम लोग कल फिर मिलेंगे विद सम न्यूजिंग करंट अफेयर तब तक लिए बाय बाय गाइस